सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में। जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो। और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज़ निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं। पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की हुई तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की, बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी, इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है, तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती है, तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली हैं IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती हैं उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले, अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में। जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो। और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज़ निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं। पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की हुई तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की, बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी
11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है या किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं तो ये जाकर के उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली हैं IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती हैं उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेलू निकेवरु मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ, शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की तो यह मूवी 11 जनवरी 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है या किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं तो ये जाकर के उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना
और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो, और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की तो यह मूवी 11 जनवरी 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी, इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है, तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती है तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको
अमेजोन प्राइम पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पर लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में। जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो, और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज़ निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की हुई तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी, इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है, तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती है, तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले, अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको अमेजोन प्राइम पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पर लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में। जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो, और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज़ निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी
फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उनसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेलू निकेवरु मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ, शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ
उनके अपने इनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उनसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है, और इसमका मंदाना की भी महसे शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था, तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेणुका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद, और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है, और IMDb की तरफ से 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले, अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो, और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की, तो यह मूवी 11 जनवरी 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की, तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी, इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है, और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है, और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है, तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं, और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती है, तो गुंडे लोग उनसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है, और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था, तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेणुका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद, और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है, और IMDb की तरफ से 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग
मिली है, तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले, अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। और यदि आपको तेलुगू आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगू आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी। तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगू लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो। और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज़ निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं। पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की हुई तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी, इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है, तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती है तो गुंडे लोग उनसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले, अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। और यदि आपको तेलुगू आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगू आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी। तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगू लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं।
हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो। और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं। पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की हुई तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी, इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उनसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले, अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेलू निकेवरु मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो। और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं। पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की हुई तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी
11 जनवरी सन 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है या किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं तो ये जाकर के उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली हैं IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती हैं उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ, शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है या किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं तो ये जाकर के उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के
कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसके मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेणुका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली हैं IMDB, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDB की तरफ से 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो, और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की तो यह मूवी 11 जनवरी 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी, इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है, तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती है तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली हैं IMDB, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDB की तरफ से 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे
फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, और आपको अमेजोन प्राइम पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फ़ैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पर लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में। जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो, और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज़ निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की हुई तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी, इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है, तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती है, तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली हैं IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती हैं उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले, अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, और आपको अमेजोन प्राइम पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फ़ैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पर लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में। जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो, और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज़ निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी
फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की तो यह मूवी 11 जनवरी 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उनसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेलू निकेवरु मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ, शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की तो यह मूवी 11 जनवरी 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ
उनके अपने इनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उनसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है, और इसमका मंदाना की भी महसे शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेणुका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद, और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है, और IMDb की तरफ से 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले, अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेलू निकेवरु मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो, और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की हुई तो यह मूवी 11 जनवरी 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की, तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी, इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है, और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है, और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं, और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उनसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है, और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेणुका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद, और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है, और IMDb की तरफ से 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग
मिली है, तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले, अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। और यदि आपको तेलुगू आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगू आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी। तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगू लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो। और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज़ निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं। पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की हुई तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी, इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है, तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती है, तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली हैं IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती हैं उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले, अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। और यदि आपको तेलुगू आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगू आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी। तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगू लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं।
करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो। और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं। पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की हुई तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी, इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उनसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली हैं IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती हैं उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले, अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो। और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं। पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की हुई तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी
11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है या किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशम का मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं तो ये जाकर के उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशम का मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशम का मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली हैं IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती हैं उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेलू निकेवरु मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ, शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की तो यह मूवी 11 जनवरी 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है या किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशम का मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं तो ये जाकर के उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशम का मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशम का मंदाना
और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो, और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की तो यह मूवी 11 जनवरी 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी, इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है, तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती है तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको
अमेजोन प्राइम पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पर लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निके ओरू मूवी के बारे में। जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो। और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज़ निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं। पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की हुई तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी, इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है। तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उनसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं। तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली हैं IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती हैं उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले, अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको अमेजोन प्राइम पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पर लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निके ओरू मूवी के बारे में। जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो। और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज़ निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं। पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी
फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेलू निकेवरु मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ, शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ
उनके अपने इनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उनसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है, और इसमका मंदाना की भी महसे शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था, तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेणुका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद, और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है, और IMDb की तरफ से 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले, अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेलू निकेवरु मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो, और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की, तो यह मूवी 11 जनवरी 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की, तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी, इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है, और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है, और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है, तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं, और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती है, तो गुंडे लोग उनसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है, और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था, तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेणुका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद, और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है, और IMDb की तरफ से 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग
मिली है, तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले, अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। और यदि आपको तेलुगू आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगू आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी। तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगू लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो। और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज़ निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं। पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की हुई तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की, बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी, इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है, तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती है, तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली हैं IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती हैं उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले, अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। और यदि आपको तेलुगू आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगू आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी। तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगू लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो।
और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज़ निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की हुई तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली हैं IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती हैं उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज़ निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की हुई तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में
मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है, तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशम का मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके अपने इनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशम का मंदाना की भी महसे शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशम का मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले, अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेलू निकेवरु मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की तो यह मूवी 11 जनवरी 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी, इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशम का मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशम का मंदाना की भी महसे शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशम का मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे।
और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली हैं IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, और यदि आपको तेलुगू आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगू आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगू लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो, और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज़ निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की तो यह मूवी 11 जनवरी 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी, इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है, तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती है तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली हैं IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, और यदि आपको तेलुगू आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगू आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगू लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको
अमेजोन प्राइम पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पर लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निके ओरू मूवी के बारे में। जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो। और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज़ निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं। पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की हुई तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी, इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है। तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उनसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं। तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले, अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको अमेजोन प्राइम पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पर लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निके ओरू मूवी के बारे में। जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो। और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज़ निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं। पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी
फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की तो यह मूवी 11 जनवरी 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उनसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेलू निकेवरु मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ, शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की तो यह मूवी 11 जनवरी 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ
उनके अपने इनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उनसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है, और इसमका मंदाना की भी महसे शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था, तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेणुका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद, और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है, और IMDb की तरफ से 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले, अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो, और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की हुई तो यह मूवी 11 जनवरी 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की, तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी, इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है, और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है, और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है, तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं, और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती है, तो गुंडे लोग उनसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है, और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था, तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेणुका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद, और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है, और IMDb की तरफ से 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग
मिली है, तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है। आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले, अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। और यदि आपको तेलुगू आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगू आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी। तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगू लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो। और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज़ निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं। पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की हुई तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी, इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है, तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती है, तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले, अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। और यदि आपको तेलुगू आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगू आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी। तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगू लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज़, सारी की सारी मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो।
और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज़ निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की हुई तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उनसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली हैं IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती हैं उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज़ निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की हुई तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी
11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है या किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली हैं IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती हैं उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ, शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की तो यह मूवी 11 जनवरी 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है या किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना
और संगीता और विजय शांति अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो, और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की तो यह मूवी 11 जनवरी 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी, इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है, तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती है तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको
अमेजोन प्राइम पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पर लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में। जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो, और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज़ निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की हुई तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी, इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है, तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती है, तो गुंडे लोग उनसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले, अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको अमेजोन प्राइम पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पर लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेरू निकेवरू मूवी के बारे में। जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो, और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज़ निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की हुई तो यह मूवी 11 जनवरी सन 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी
की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं तो ये जाकर के उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रेशमिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रेशमिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10 out of 6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा जरूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेलू निकेवरु मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रेशमिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की हुई तो यह मूवी 11 जनवरी 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रेशमिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती तो गुंडे लोग उसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और
शादी भी हो जाती है और रिश्मिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रिश्मिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले, अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलेलू निकेवरु मूवी के बारे में, जैसा कि यह मूवी दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी और उस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं महेश बाबू की ज़्यादातर मूवीज, सारी की सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद है और शायद आपको भी पसंद हो, और महेश बाबू के आप मेरी तरह बहुत बड़े फ़ैन हो, मैं भी उनका फ़ैन हूँ क्योंकि उनकी जितनी भी मूवीज निकलती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं, पर मुझे तमिल नहीं आती, जब हिंदी में डब होती तब मैं उनको देख पाता हूँ। शायद आपको भी खाली हिंदी ही आती हो, तमिल ना आती हो। और यह मूवी तो और ही मज़ेदार होने वाली क्योंकि इसमें महेश बाबू भी होने वाली और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रिश्मिका मंदाना भी इसी मूवी में है। दोस्तों बात करें इस मूवी की तो यह मूवी 11 जनवरी 2020 को ही मूवी रिलीज हो गई थी तमिल लैंग्वेज में। और दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट की तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ बजट 75 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई 220 करोड़ की बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। और दोस्तों इस मूवी में महेश बाबू फौजी के रूप में है। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर है अनिल रिपुड़ी और इस मूवी के लेखक भी अनिल रिपुड़ी ही है। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग 5 जुलाई 2019 को कश्मीर में शूटिंग शुरू हुई थी और यह नवंबर तक चली थी। दोस्तों यह मूवी 11 जनवरी 2020 को 2050 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और यह मूवी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है, महेश बाबू एक आर्मी, इंडियन आर्मी के एक फौजी होते हैं और उनका साथी भी एक फौजी होता है और वह आतंकवादियों से मारा जाता है, किसी कारण लड़ाई में मारा जाता है और उसी दोस्त की बहन की शादी होती है, तो उसी शादी में ये जा रहे होते हैं और वहीं ट्रेन में रिश्मिका मंदाना मिलती है, वहाँ से लव स्टोरी इन दोनों की शुरू होती है। और ये वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके दोस्त की बहन की शादी होती है तो गुंडे लोग उनसे परेशान करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं, तो ये जा करके उन लोगों को बचाते हैं और गुंडे को सबक भी सिखाते हैं और शादी भी हो जाती है और रिश्मिका मंदाना की भी महेश से शादी हो जाती है। दोस्तों मैंने इस मूवी को तेलुगु में ही देखा था तो मुझे ज़्यादातर तेलुगु आती ही नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आया, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें, यानी इस मूवी में आपको कौन कौन से एक्टर मिलेंगे देखने को, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें महेश बाबू, रिश्मिका मंदाना और संगीता और विजय शांति, अनसुईया और हरी तेजा, तमन्ना, जयप्रकाश और देवी श्री भाटिया और सॉरी देवी श्री प्रसाद और आपको राजेंद्र प्रसाद, प्रकाश राज, सत्यदेव आदि लोग आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग की, यानी इस मूवी को कितनी रेटिंग्स मिली है IMDb, गूगल यूजर्स और जहाँ जहाँ रेटिंग मिलती है उनकी तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले गूगल यूजर्स, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इसको 71% की बहुत ही बेहतरीन लाइक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 10/6.2 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग मिली है। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन है, आपने यदि नहीं देखा तो इस मूवी को देखिएगा ज़रूर। अब यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो यह मूवी अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, शायद आपको कहीं देखने को मिले, अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलेगी। और यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं,
और यदि आपको तेलुगु आती है तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख ही चुके होंगे यदि आपको तेलुगु आती होगी। अब बात कर लेते हैं मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी। तो आपको हॉटस्टार पे फ्री में देखने को मिलेगी, पर आपको सबटाइटल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको तेलुगु लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और आपको Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबटाइटल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी मेरी रमेश बाबू के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मूवी से रिलेटेड अपडेट हम अपने चैनल पे लाते हैं रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।